हेलो एवरीवन, होप आप सब बढ़िया हैं। मैं ईशा आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी। तो फिर चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। वही पुराने स्टाइल की एग की रेसिपीज खा के हो चुके हैं बोर, तो फिर ट्राई करिए ये डिफरेंट फ्लेवर वाली और गजब के स्वाद वाली एग की ऐसी रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि हमारी इस रेसिपी का हीरो एग नहीं बल्कि है हरा धनिया। इसके लिए सबसे पहले हम प्याज को कट करके रेडी करेंगे इस तरह के छोटे पीसेस में, और लहसुन को क्रश करके रेडी करेंगे। तो मैंने 12 कर लिया, लहसुन की क्रश कर ली हैं। अब मैंने ली है एक कढ़ाई जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 साबुत हरी मिर्च, आप बारीक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दिया है क्रश किया हुआ लहसुन, जिसको हमें हल्का गोल्डन होने तक भूनना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज कट किए थे। और प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे गुलाबी रंग के ना हो जाएं। तो इस तरह से चलाते हुए हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, और इसमें अच्छा गुलाबी रंग आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये, जिनको मैंने छोटे टुकड़े में कट किया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, और हमें टमाटर को कवर करके कुक करेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो तब तक हम एग्स ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक बोल में 10 अंडे ब्रेक कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, और अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो इस स्टेज पर आप काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, और इधर टमाटर को भी चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर हम ये अंडे जो हमने फोड़ के रखे थे ये डाल देंगे। और अब बारी है इसमें डालने के हमारा हीरो इंग्रेडिएंट, ढेर सारा हरा धनिया। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी हरा धनिया यूज़ कर रही हूँ, हरा धनिया इसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इसके बाद इसको हम कवर करके कुक करेंगे लो फ्लेम पे, तब तक के लिए जब तक अंडे अच्छे तरीके से पक ना जाएं। तो इसको कवर हटा के चेक करते हैं, तो इसकी जो ऊपरी सतह है वो पक गई है, डेट मीन्स जो हैं अंडे वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं, और हमारी ये गजब की रेसिपी तैयार हो चुकी है। वाओ, कितनी बढ़िया लग रही है ना। वेल, इसका जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा गजब का होता है। इसका स्वाद जानने के लिए आप इसको एक बार तो ट्राई करके देखना पड़ेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इन्जॉय एंड हैप्पी कुकिंग।